हे वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रदीप रावत। बेसिकली आज हम जिस चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं उसे काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। आज मैं आप सबके सामने उस चीज़ को सिंपल वर्ड में डिस्क्राइब करूँगा। जिस चीज़ की हम चर्चा करने वाले हैं वो है CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी। जी हाँ, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, जो कि CSS की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, CSS बॉक्स मॉडल के हिसाब से HTML का हर एक एलिमेंट एक बॉक्स मॉडल होता है, और इनमें से कुछ एलिमेंट इनलाइन होते हैं और कुछ ब्लॉक लेवल होते हैं, जैसे कि स्पैन, img, स्ट्रॉन्ग इनलाइन एलिमेंट होते हैं, और h1, p1 एंड div जैसे ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। इसके लिए हम एक नई सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बॉक्स मॉडल को पूरा कवर करेंगे। HTML में हर एक एलिमेंट का अपना एक नेचर होता है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट को दिखाने का काम करती है, जैसे कि हर एक एलिमेंट की कुछ प्री डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है और उनको ओवरराइड करने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी काम आती है। लेट्स स्टार्ट फ्यू इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्प्ले। तो गाइज, एक ब्लॉक एलिमेंट हमेशा एक नई लाइन से शुरू होता है, और आप किसी भी ब्लॉक एलिमेंट के चारों ओर मार्जिन, पैडिंग, हाइट एंड विड्थ जैसी चीज़ें ऐड कर सकते हो। अगर मैं वही बात करूं इनलाइन एलिमेंट की, तो वो नई लाइन से शुरू नहीं होता है, बल्कि जहां पर उसका पेरेंट एलिमेंट फिनिश हो रहा है उसी के राइट साइड में अपेंड हो जाता है। और अगर हम बात करें हाइट एंड विड्थ की, तो इनलाइन एलिमेंट पे ये अप्लाई नहीं होती। और अगर हम बात करें इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट की, तो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट सिमिलर होते हैं इनलाइन एलिमेंट के, बट इसमें एलिमेंट इनलाइन भी हो जाता है और ब्लॉक भी हो जाता है। दोनों चीज़ होती है, इनलाइन एंड ब्लॉक, और हम इसमें हाइट एंड विड्थ अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करूँ डिस्प्ले ब्लॉक की, कि हम इसे कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नेव बार बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। कि हमारे पास 5 स्पैन टैग हैं, एंड उसकी कुछ यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लिखी गई है यहाँ पे डिस्प्ले की। एंड अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे विड्थ एंड हाइट भी हमने ऐड कर लिया, बट यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पैन टैग पे विड्थ एंड हाइट अप्लाई नहीं होती। अब इसी चीज़ को हम ब्लॉक करते हैं डिस्प्ले। तो लेट्स स्टार्ट ब्लॉक। तो जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे हमने इसमें ब्लॉक करा तो यहाँ पे इसकी हाइट अप्लाई इसमें हो गई, बट वो ब्लॉक लेबल हो गई, उसने पूरी रो ब्लॉक कर दी। चलिए अब इसे चेंज करते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो जैसे कि हमने अभी यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करा, तो उसमें क्या होगा कि हाइट एंड विड्थ भी अप्लाई होगी एंड वो चीज़ें इनलाइन भी होगी। तो बेसिकली ऑल द फंडामेंटल ये है। आई होप आपको चीज़ समझ में आ चुकी होगी और आप इसे किस तरह से डिवाइड कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, और आने वाले टाइम में हम इसमें और इंटरव्यू क्वेश्चन डालने वाले हैं। अगर आपने इसे लाइक नहीं करा तो जल्दी जल्दी लाइक करें फॉर फ्यूचर इंटरव्यू प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।